नमस्कार, वेलकम टू डिपेंस डेलीकेस। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रिजाला। चिकन रिजाला एक मुगलाई डिश है जो पराठा और बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छे जाते हैं। 11 फरवरी 1856 को अवध का नवाब वजीद अली शाह को जब अंग्रेज लोगों ने अपने ही राज्य से निर्वासित किया, तब उनको कोलकाता में लेके आए थे और साथ ही आए थे उनका कुछ खास बावर्ची, और बावर्ची के साथ साथ आए थे अपना चिकन रिजाला का रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन रिजाला। चिकन रिजाला बनाने के लिए मैंने लिया 750 ग्राम चिकन, 3 मीडियम साइज्ड अनियन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून खसखस, साथ में 10 काजू को एक साथ लेके पेस्ट बना लिया, 3 हरी मिर्ची चॉप्ड, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून शक्कर, अक्का गरम मसाला, 2 रेड चिल्ली, 200 ग्राम के आसपास कर्ड या तो दही, 1 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमको चाहिए 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून कर्ड या तो दही, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और कम से कम आपको 1 घंटे के लिए इसको छोड़ना है ताकि फ्लेवर अंदर तक जाए। एक कढ़ाई लेके उसमें 1 टेबलस्पून घी डालना है और साथ में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। उसके बाद 2 इलायची, 3 लौंग, 2 दालचीनी और 3 से 4 ब्लैक पेपर कॉर्न। उसके बाद हमको अच्छे से ये गरम मसाला को पकाना है। नेक्स्ट 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से पक जाने पे वो 3 अनियन पेस्ट डाल देंगे। ये सारे पेस्ट को अच्छे से पकाना है और जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए हम लोग काजू और खसखस का जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। अच्छे से आप व्हिप करके रखना पहले, उसके बाद ग्रीन चिलीज या तो हरी मिर्च जो चॉप करके रखा था वो डाल देंगे, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाने के बाद ये रहा अपना मैरिनेटेड चिकन। हाई फ्लेम में चिकन को इसीलिए पकाना है क्योंकि चिकन का अंदर का जो जूस रहता है वो हाई फ्लेम में पकाने पे वो रिटेन होता है या तो उसी के अंदर रहता है। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम या तो स्लो फ्लेम में पकाओगे तो चिकन का जूस चिकन से निकल आएगा। चिकन को 4 से 5 मिनट अच्छे से
पकाना है। नेक्स्ट हाफ टीस्पून से एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, ये आपके स्वाद अनुसार डालिए। अब आप चिकन में पानी डाल दीजिए। दो कप के आसपास पानी डालिए। चिकन को मीडियम फ्लेम में 15 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद ढक्कन खोलने पे आप देख सकते हो कि चिकन अच्छे से पक गया और ऊपर तेल भी आ गया। इसके बाद हम इस पे हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। नेक्स्ट फ्लेवरिंग के लिए हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर डालिए। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप रोज वाटर भी डाल सकते हो। अगर रोज वाटर केवड़ा वाटर दोनों ही नहीं है तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। सर्विंग के पहले गरम मसाला छिड़क देना, फिर आधा टी स्पून उसके ऊपर घी डाल देना। बन गया हम लोगों का चिकन रजाला। अब बारी है प्लेटिंग की। रजाला को बोल में डालते हैं। प्लेटिंग के लिए जैसे हमने चिकन को बोल में डाल लिया, उसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल के हम इसको गार्निश कर सकते हैं। लास्ट दो वीडियो में आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो बन गया आपका चिकन रजाला। ट्राई कीजिए घर पे, अगर अच्छा लगे शेयर कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दीपन्स डेलिकेसी एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू।